गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जन सहयोग से 52 बीघा से लेकर केंद्रीय विद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज तक लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किए। इस अवसर पर डॉक्टर निशिकांत दुबे फीता काट कर शिलान्यास किए। स्थानीय लोगों व छात्र छात्राओं को काफी लंबी मांग थी, यह शिक्षा का हब है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज समेत महिला महाविद्यालय सहित कई अन्य शैक्षणिक संस्थान संचालित हो रही हैं, लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी के कारण यह सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा था। इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए आवागमन का एक मात्र सड़क था। सड़क खराब रहने के कारण आए दिन दुर्घटना होती थी, जिसको लेकर यह पहल कर जन सहयोग से सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया गया। मधुपुर में कई एक लोग जो है हिसाब भी मांगते हैं कि मधुपुर में जो है सांसद ने क्या किया। तो यदि किसी को देखना हो को मधुपुर में क्या किया, तो यह रोड सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए राज्य सरकार इस रोड को जो है लोगों को दिखाना नहीं चाहती है, जिससे कि आम लोग नहीं आ पाए। आप देखिए, इसी रोड पर सेंट्रल स्कूल है जो केंद्र सरकार ने दिया, आपको पता है कि उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी मैंने किया। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज शुद्ध और शुद्ध हमारी देन है, पूरा भारत सरकार के पैसे से बना है। 2011 में ये फंड आया था और उसके बाद ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है। महिला कॉलेज आपको पता है वो मॉडल कॉलेज है, जिसमें कि भारत सरकार ने पैसा दिया है। इसी इलाके में ITI आया। अब आप समझें कि महिला कॉलेज है, यहाँ मॉडल कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सेंट्रल स्कूल है, ITI है, और ये रोड जो है, रोड के बिना रोज खबरें आती थी। आप ही लोग खबर देते थे कि जो छोटे बच्चे हैं वो कभी ऑटो से आ रहे हैं, या लड़कियां मान लीजिए कि उनको मधुपुर जाना है, यहाँ हॉस्टल में जो लोग नहीं रहते जिनको रोज आना जाना है, कितने विद्यार्थी इस तरफ, उनके रोड की स्थिति बहुत ही खराब थी। लगातार 3 साल 3.5 साल से हम प्रयास कर रहे थे कि राज्य सरकार इस पर कुछ करे, लेकिन राज्य सरकार से ये हो नहीं पा रहा था। तो आपको ध्यान हो कि आज से 7-8 दिन पहले मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि हम इसको चंदे से बनाएंगे। कई एक लोगों को लगा कि चंदा का क्या मतलब है, सांसद निधि। आपको पता है कि मैंने एयरपोर्ट का रोड भी सांसद निधि से बनाने का प्रयास किया, उसमें और 15-20 दिन लग गया, और फाइनली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक लव लेटर आ गया हमारे पास कि सांसद निधि से ये नहीं बनाया जा सकता है। तो मैं बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, और मैं गोड्डा लोकसभा के सभी प्रबुद्ध जनों का और सभी लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने जो है दिल खोल कर इसमें पैसा दिया। इसके लिए जितने पैसे की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि लगभग 55 से 60 लाख रुपया इस रोड को बनने में लगेगा, और ये अपने आप में एक उदाहरण है। और मुझे एक सांसद होने के नाते एक खुशी होती है कि मैं तीसरी बार का सांसद हूँ, लोग पहली बार में ही जो है उड़ जाते हैं कि आप कोई चीज़ कहते हैं और 7-8 दिन में जो है लोग इतना पैसा दे देते हैं कि आपका ये रोड बन जाता है। ये रोड इंटरलॉकिंग पेपर से बनेगा, शुद्ध चंदे के पैसे से बना है, उसमें मेरा भी कुछ पैसा है, और ये रोड जब बन जाएगा तो इंटरलॉकिंग पेपर्स के जो रोड होते हैं वो कम से कम 20-25 साल 30 साल तक जो है खराब होने वाले नहीं है। इसमें कोई ठेकेदारी नहीं होगी, क्योंकि आम लोगों का और जिन लोगों के पैसे लगे हैं वो लोग भी इस रोड को बनाने में लगेंगे। तो एक बड़ा काम हो गया, और मैं आज के समय सारे विद्यार्थियों को, यहाँ के फैकल्टी मेंबर को, और जिन लोगों ने भी इस रोड को बनाने में सहयोग किया, सभी के प्रति आभारी हूँ। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार जहाँ जहाँ काम नहीं करेगी, तो मैंने अब यही फैसला किया है कि 1.5 साल तक मुझे यही काम करना है, चंदा करूँगा और रोड बनाऊँगा।